हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्पीड अप एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि आरआरबी एमजी टेस्ट के बारे में, कैसे टेस्ट में अपीयर करना है, आपको टेस्ट देना कैसे है, कैसे आपने आपको लॉगिन करना है, यूजर आईडी पासवर्ड क्या लॉगिन करना है और टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 4 से 5 मिनट बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर लॉगिन करना है। वेबसाइट पर जाना सबसे पहले www.speedupeducation.com, ठीक है। आप अपने यूआरएल पे जहां पे कोई चीज सर्च करते हैं, आप सर्च बार में डालेंगे www.speedupeducation.com, ये वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये वेबसाइट एंटर कर देंगे, उसके बाद आपको एक पेज खुलकर आएगा, यहां पे लिखा होगा, ये पेज पूरा खुल के आएगा ऐसे, यहां पे लिखा होगा लॉग इन साइन अप, ठीक है, राइट। आप यहां पे क्लिक करेंगे, लॉग इन साइन अप पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे। लॉग इन साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा, वहां पर लिखा होगा स्पीडिंग अप फ्यूचर, क्या लिखा होगा, स्पीडिंग अप द फ्यूचर लिख के आएगा। यहाँ पे लोगो लगेगा, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर और पासवर्ड आपसे मांगेगा, राइट। आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो आपको अपने यूजर नेम में क्या फिल करना है और पासवर्ड में क्या फिल करना है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको अपने यूजर नेम में अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड में भी ईमेल आईडी लॉग इन कर देनी है, सेम। क्या करना है आपको, सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है www.speedupeducation.com, फिर वहां पे एक पेज खुल गया, इसे राइट टॉप पर एक लॉगिन साइन अप होगा, ब्लू कलर का लॉगिन और साइन अप होगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी, यहां पे लिखा होगा, एक लोगो लगा होगा स्पीडअप का और लिखा होगा स्पीडिंग अप द फ्यूचर, वहां पे लिखा होगा यूजर आईडी पासवर्ड, राइट। जब यूजर आईडी पासवर्ड करेंगे तो वहां पर यूजर आईडी में क्या डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड में भी ईमेल आईडी ही एंटर करेंगे और फिर लॉगिन कर लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं हूं, मेरा नाम रजत है, मेरी ईमेल आईडी है rajatkg94@gmail.com, राइट, ये मेरी ईमेल आईडी है। तो अगर मुझे टेस्ट देना है, मैं यूजर हूं, मुझे टेस्ट देना है, तो मैं क्या करूंगा, ये है यूजर आईडी, ये है पासवर्ड, ये यूजर और ये पासवर्ड, यहां पे क्या करूंगा, मैं अपनी ईमेल आईडी डालूंगा यूजर आईडी में, यूजर आईडी में मैं क्या करूंगा, अपना पास ईमेल डालूंगा, राइट, और पासवर्ड में भी सेम ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कर दूंगा, जो मेरी ईमेल आईडी यहां पर है, वही ईमेल आईडी यहां पे लॉगिन कर दूंगा और फिर यहां पे लॉगिन लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देंगे और हम मैं टेस्ट के अंदर आ जाऊंगा। वहां पे एक फोटो बनकर आएगी, आपको एक थंबनेल दिखाई देगा, लिखा होगा आरआरबी एमजेई टेस्ट वन, एमजेई टेस्ट वन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और टेक टेस्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, टेक टेस्ट कर लेंगे। ये टेक टेस्ट वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, जिन्होंने पेमेंट हमें कर दिया है वही लोग टेस्ट दे पाएंगे, बाकी लोग टेस्ट नहीं दे पाएंगे। अगर जो हमें पेमेंट कर चुके हैं उनके लिए है ये कहानी, जो लोग पेमेंट डन कर चुके हैं, जिनका पेमेंट एक्सेप्ट हो चुका है, जिनका पेमेंट डन हो गया है, वही टेस्ट दे सकते हैं और लोग टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, टेस्ट के लिए स्पीड अप एजुकेशन वेबसाइट पर करना है, लॉगिन साइन अप पे क्लिक करना है और यूजर आईडी पासवर्ड में अपनी ही ईमेल आईडी और यूजर पे डालनी है और अपनी ही ईमेल आईडी पासवर्ड पे एंटर करनी है। एक यूजर लिया मैंने, अपना नाम लिया, मैं अपने ईमेल आईडी यूजर में डालूंगा और वही पासवर्ड डालूंगा, फिर लॉगिन कर लूंगा। अगर मैंने पेमेंट किया है तो मेरा टेस्ट दिखाई देगा आरआरबी एमजेई, वहां पे टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, एक नई विंडो खुल जाएगी, बोलेगा आई एक्सेप्ट द टर्म, मैं सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लूंगा कि 100 क्वेश्चंस है, 90 मिनट्स है और एंटर करूंगा और टेस्ट में अंदर प्रोसीड कर जाऊंगा और आपके सामने टेस्ट ओपन हो जाएगा, राइट। ये था जिन्होंने पेमेंट कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो टेस्ट देना चाहते हैं, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया अभी तक, पेमेंट नहीं दिया है, वो भी क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे या लॉगिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप रजिस्टर कर ले या लॉगिन कर ले, जब लॉगिन करेंगे तो अंदर जाएंगे, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है
उनके पास बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे वो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और ऑफलाइन पेमेंट होगा, पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं, और भी गूगल पे और फोन पे के थ्रू कर सकते हैं, और आपको अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। 199 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 199 रुपए की, राइट। तो आप ये पेमेंट कर देंगे, फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इस टेस्ट सीरीज को देने के लिए, राइट। बस इतना ही डिस्कशन करने के लिए आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से रिपीट करते हैं, आरआरबी एमजेई फर्स्ट टेस्ट लाइव हो गया 14 फरवरी एज पर प्रॉमिस्ड, हमने आपसे वादा किया था। इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे speedupeducation.com, लॉगिन करेंगे वहां पे, यूजर आईडी पासवर्ड में अपनी ही ईमेल आईडी और अपना ही ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी यूजर आईडी पे और सेम ईमेल आईडी पासवर्ड पे एंटर करेंगे, आप टेस्ट की तरफ अंदर उस विंडो में आ जाएंगे। अगर आपने पे कर रखा है तो आप टेक टेस्ट करेंगे, आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। अगर आपने पे नहीं किया है तो आप पेमेंट करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट करेंगे और अपना ट्रांजेक्शन डिटेल वहां पर दे देंगे। जिनको पेमेंट करना उनका एक बार फिर से बता देता हूँ, पेमेंट करने के जब आप अंदर लॉग इन करेंगे तो वहां पे आएगा बाय नाउ, बाय नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। ऑफलाइन में चार तरह के ऑप्शन है, पेमेंट, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जब वहां पे पेमेंट कर देंगे तो वो जो पेमेंट का आपका पेमेंट डिटेल होगा वहां पे ट्रांजेक्शन आईडी होगी, वहां पे डिटेल होगा पेमेंट डिटेल, वहां पे ट्रांजेक्शन आईडी एंटर कर देंगे और हमारा एडमिन आपको अप्रूव कर देगा, फिर आप टेस्ट दे देंगे। आपको ट्रांजेक्शन आईडी एंटर ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद आईडी आप वहां पे फिल कर देंगे और हमारा एडमिन आपको अप्रूव कर देगा, तो आप टेस्ट दे पाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम टीम स्पीडअप, अच्छे से टेस्ट दीजिए। और आपके ये टेस्ट जो है अभी लाइव हो चुका है और ये कल रात में टेस्ट लाइव रहेगा, कल रात में बंद कर दिया जाएगा। आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, टेस्ट लाइव हो चुका है और ये 14 फरवरी की रात में 11:59 पे ये टेस्ट बंद कर दिया जाएगा, 11:59 PM पे ये टेस्ट क्लोज कर दिया जाएगा। तो आपको अभी से 11:59 PM मतलब कल, मतलब आज ही का दिन 14 फरवरी के दिन में आपको टेस्ट देना है, में ही टाइम है। जितने को जिसको इसको टेस्ट देना, मतलब जितने लोग पेमेंट कर चुके वो देंगे, जो नए यूजर वो पे करके तो उनसे टेस्ट दे सकते हैं, राइट। तो आपके पास ये अभी कुछ ही घंटे बाकी है, आप इसको टेस्ट को दे लिए। विश यू अगेन ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से दीजिएगा भाई।